आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बेसिक हम साइन साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन कॉस टैन, ओके। ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक होता है साइन, कॉस और टैन, ठीक है ना। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करें, सपोज दिस, ठीक है ना। ये हमारा जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये अपना क्या होता है, ये वाला लेंथ बेस होता है, इसको हम थीटा बोलते हैं, इसको ये थीटा होता है। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस इसको हम बेसिकली एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से बात करते हैं, इसको पी से बताते हैं, ओके, इसको बी से बताते हैं। हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे और इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है ना। जो अपना साइन होता ना, साइन थीटा ये वाला थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, और ये वाला अपना होता है कर्ण। क्या बोलते हैं उसको? कर्ण, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, ये अपना साइन थीटा होता है। सेम थिंग इसमें साइन हो गया, नेक्स्ट होता है कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस एच, मतलब आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। क्या होता है? आधार डिवाइडेड बाय कर्ण, ये अपना साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ओके। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय एच, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, आधार बाय कर्ण, ओके। नेक्स्ट वन होता है अपना टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब परपेंडिकुलर पी बाई बेस बी, ओके। परपेंडिकुलर मतलब मींस लंब डिवाइडेड बाय बेस आधार। हमको माइंड में ये रखना है, साइन थीटा रखना है, कॉस थीटा रखना है, टैन थीटा रखना है। अगर आपको ये समझ में आया साइन कॉस टैन, ठीक है ना, इसका जस्ट ओके, मैं इरेज कर रहा है इसको। इन शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है कॉसेक थीटा, ओके। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है? टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या होता है? 1 बाई कॉट थीटा। साइन कॉस टैन, सपोज करो अगर हमें साइन की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, साइन इक्वल टू दिया, साइन बाई होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बी बेस, ठीक है ना। अगर हमें साइन कॉस टैन दिया है, जस्ट इसका उल्टा अपोजिट होता है, ये वाला कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन सेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आप क्या कर सकते हो? इसकी हेल्प से आप कॉसेक सेक और टैन की कॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, ओके, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, सॉरी इनवर्स होता है। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी बी हो जाएगा, ठीक है। सेमली टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन थीटा इक्वल टू होगा बी बाई पी, ठीक है ना, ओके। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच,
है ना, और cos theta इक्वल टू b बाई h, ओके, tan theta इक्वल टू p बाई b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जस्ट इसका उल्टा होता है cos x, साइन का उल्टा cos x होता है, देन इसका cos x बराबर इसका उल्टा होगा h बाई p हो जाएगा, सेम इसमें अप्लाई होगा h b बाई h होता है तो ये क्या होगा h बाई b हो जाएगा, सेम इसमें सॉरी ये tan होगा cot होगा, सॉरी ये cot theta होगा, इसमें cot theta क्या होगा b बाई p बाई b है तो क्या होगा b बाई p हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना इन्वर्स वाला हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। सपोज हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, देन ये 5 सेंटीमीटर होगा, हमेशा ये वाला हाइपोटेनियस इसका और इसका स्क्वायर के, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है, इन दोनों का स्क्वायर के सम के इक्वल क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, देन 3 का स्क्वायर 9 एंड इट 4 का स्क्वायर 9, देन ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें टैन की बात करें, व्हाट इज दैट, वो सॉरी साइन की बात करें, साइन थीटा अपन वह होता है पी बाई एच, वेर इज द पी, पी इक्वल टू 3 है और एच पी इक्वल टू 3 है, एच इक्वल टू क्या है इसमें 5, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाए इसमें 3/5 आएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन हम अगर कॉस की बात करें, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बेस बी बाई क्या होता है हमारा एच होता है, तो बेस इसमें क्या गिवन है बेस बराबर 4 है और एच बराबर 5 है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 4/5 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम टैन की बात करें, टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, तो वेयर इज द पी, पी इक्वल टू 3 है और बेस इक्वल टू 4 है तो 4/3 होगा। अगर हमने साइन कॉस, हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट कर लिया, साइन कॉस टैन, ओके, साइन कॉस टैन अगर हमें फाइंड आउट करें तो हम इजिली क्या कर सकते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा और टैन थीटा सॉरी कॉट थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा, सेक कॉस बराबर 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, ये 3/10 बराबर 3/4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, दिस बिकम 5/3 एंड सेक सेक इक्वल टू 5/4 एंड टैन कॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3, ओके, आप इसको इन्वर्स करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके।